सभी किसान भाइयों का मैं यह वीडियो में स्वागत करता हूँ। आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने जो रपेटा पाइप आता है उसके ऊपर रेनगन चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। और एक मतलब हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व कैसे काम करता है ये चीज़ भी मैंने आपको दिखाई। प्रेशर रिलीज वाल्व का पूरे से इस्तेमाल कैसे करना ये चीज़ भी आपको दिखाई। और अभी यही ट्रायर फिर से एक बार नए से चालू करते हैं कि 5 HP की मोटर है, एक रेनगन लगवाई है, बीच में लपेटा पाइप लगवाया है, 3 जगह प्रेशर मीटर लगवाया है, एक प्रेशर रिलीज वाल्व लगवाया है। तो चालू करते हैं वीडियो, आप मोटर चालू कीजिए। बाईपास पूरा खुला है, ये कॉक भी पूरा खोल दिया मैंने। अभी बाईपास पूरा खोला होने की वजह से रेनगन नहीं काम कर रही है, थोड़ा प्रेशर देके देखके अभी मैं प्रेशर देता हूँ। अभी लगभग 1 kg तक प्रेशर आ चुका है, 1.5 kg के बाद ही सब चीज़ें चेक करेंगे। ये देखिए अभी 2 kg प्रेशर आ गया तो बाईपास ओपन हो गया और रेनगन देखिए कितने बड़े तरीके से बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यही चीज़ हमने आपको दिखाने के लिए पूरा जुगाड़ किया था कि मतलब क्या था कि कृषि पाइप के ऊपर रेनगन काम कर रही थी लेकिन एक बहुत कम दायरा था, बहुत कम डिस्टेंस था कि थोड़ा सा भी प्रेशर गलत हो जाता था तो रेनगन के वजह से कृषि पाइप फट रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे भी प्रेशर बढ़ा है हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व खुल गया है और रेनगन बहुत बढ़िया से काम कर रही है। तो अगर कोई किसान भाई को अभी फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करना है तो उसको यही प्रेशर रिलीज वाल्व का इस्तेमाल करना है और रेनगन आप कृषि पाइप पे चला सकते हो। अभी ये जो कृषि पाइप हमने बनाया है इसका 1 मीटर का वजन लगभग 250 ग्राम हमने लिया है। हम कोशिश करेंगे कि इसको 300 ग्राम वजन लेके और इसकी ताकत बढ़ाए और इसमें कुछ केमिकल हम डालने वाले हैं कि जिसके वजह से इसकी ताकत और बढ़ेगी। लेकिन रेनगन आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया ये सेटअप चल रहा है, इसको 2 kg के आसपास ये खुल गया है। एक बार कोशिश करते हैं इसको और थोड़ा टाइट करने की, आप स्पैनर दीजिए, मतलब 2 की जगह ये 2.5, 2.10 पे खुलना चाहिए। तो मैं ये बाईपास खोल देता हूँ पूरा इसको सेट करने के लिए और इसको एक बार सेट करके दिखाता हूँ और आपको यही वीडियो में। तो इसको देखिए अभी थोड़ा सा टाइट करना है सिर्फ, मतलब ऊपर वाले को तो पहले ढीला कर देना, मतलब आपको अंदाजा आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और इधर घुमाएंगे तो टाइट होगा। देखिए मैंने अभी इसको प्रॉपर फिट कर दिया है और इसको मामूली टाइट किया। अभी देखते हैं इसी तरीके से आपको प्रिसाइज इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बार ये आपकी सिस्टम काम कर जाएगी तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं बाईपास और बंद कर रहा हूँ जिसकी वजह से रेनगन चालू काम करना चालू करेगी। देखिए ये 2 kg पे ही खुल रहा है, ये एक्चुअली 2.5, 2.10 पे खुलना चाहिए। एक बार इसकी ये तो लगभग अपने ताकत पे चरण सीमा पे है, रेनगन भी बढ़िया सा काम कर रही है। सिर्फ इसको मैनेज कैसे करना यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इसको और एक बार हम एडजस्ट करते हैं। अभी मैंने बाईपास खोल देता हूँ और एक बार इसको एडजस्ट करते, ऐसा ही छोटा छोटा कदम आपको उठाना है, ज़्यादा एक ही बार सब चीज़ें नहीं करना। इसको थोड़ा सा और टाइट करता हूँ मैं, बस इसको लॉक कर देता हूँ, मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। वैसे तो अभी भी बराबर हुआ है काम लेकिन कोशिश कर रहे क्या होगा। सुबह 8 बजे से लगे हैं, किसी ने खाना भी नहीं खाया है, अभी लगभग बज गए, कितना बजा, 2:30 बज गए। लेकिन आज ये ट्रायल सक्सेस करना था हमको, तो अभी एक बार प्रेशर देता हूँ और रेनगन तो बढ़िया काम कर रही है।
देखिए अभी ये 2 केजी पे पहुंच गया है, लेकिन पानी का प्रमाण कम हो गया है, तो ये ठीक है, मतलब और प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बाद में करेंगे, अच्छा है अभी। तो यही चीज़ के लिए ये पूरा जुगाड़ हमने किया था कि जो कोई किसान भाई फ्लेक्सिबल पाइप मतलब लपेटा पाइप वो सैंपल दीजिए कोई, यही लपेटा पाइप के ऊपर रेनगन को चलाना चाह रहा था, उनको दिक्कत क्या आ रही थी, एक तो ये क्वालिटी का लपेटा पाइप मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मतलब इतना प्रेशर ले पाए, तो हमने ये आपके लिए अलग से बनाया है, इसका नाम दिया है हमने हीरा फ्लेक्स, ये लपेटा पाइप का नाम है हीरा फ्लेक्स। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार पूरा सेटअप दिखा देता हूँ सभी किसान भाइयों को। कि देखिए 5 HP की मोटर है, उसको ये पाइप से जोड़ा है इधर, बीच में लपेटा पाइप का टुकड़ा लगवाया है, एक प्रेशर मीटर उधर लगवाया है आखिरी में, एक प्रेशर मीटर इधर लगवाया है, ठीक है, और एक प्रेशर मीटर इधर लगवाया है, यहाँ पे एक प्रेशर रिलीज वाल लगवाया है। पहले कुछ ट्रायर हमारी फेर हो गई थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि 2 केजी का प्रेशर ये पाइप ले रहा था, लेकिन 2 से 2.25 केजी में ये फट जा रहा था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे प्रेशर रिलीज वाल लगवाया है कि जैसे भी 2 केजी के ऊपर प्रेशर जा रहा है ये बाईपास कर देगा पानी और आपका पाइप फटेगा नहीं। तो ये अभी सक्सेस हो चुका है, आपको अगर इसी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉल सेंटर को कॉल कीजिए, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, और आपके मन में कुछ भी सवाल है आप कमेंट में पूछिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपकी आएगी। लेकिन एक चीज़ और है, मतलब हम इतना सब जुगाड़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सुबह 8 बजे से हम ये ट्रायल कर रहे हैं, अभी 2:30 बज गए दोपहर के, तो इतनी हम मेहनत करते, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक अगर आएंगे तो ही हम अगली वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। धन्यवाद।